मेरा पूरा कंटेंट कॉमेडी होता है, मैं लोगों को हंसाने में बिलीव करता हूँ, और कॉमेडी में इन द सेंस ऐसा होता है कि मैं खुद सोचता हूँ, खुद बनाता हूँ और खुद ही एडिट करता हूँ उसको। अबे तुझे क्या हुआ यार? मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार करता हूँ। तो भाई तुझे क्या दिक्कत है? यार मेरे घर वाले उससे शादी के लिए नहीं मान रहे। तू सच्चा प्यार करता है उससे? हाँ यार सच्चा प्यार करता हूँ। कभी छोड़ेगा तो नहीं उसे? नहीं भाई कभी नहीं छोड़ूंगा। तो एक काम कर, नंबर मिला के दे, घर पे मैं बात करता हूँ। वैसे किसको कर रहा है फोन? अपनी बीवी को। डॉक्टर साहब। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो? डॉक्टर साहब रूम नंबर 10 का पेशेंट नहीं मिल रहा। अरे उसे मैंने शिफ्ट करा है। क्यों डॉक्टर साहब? अरे उसे ना 105 डिग्री बुखार हो गया था और रूम नंबर 20 वाले पेशेंट को बहुत ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने दोनों को साथ लेटा दिया। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे। बॉलीवुड ज्वाइन करने का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। टिकटॉक जब से आया है बहुत सारे लोग हैरान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ही मालामाल हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग है और अब कमर्शियली भी बेनिफिट मिलने लग गए हैं। तो टिकटॉक में कैसे पॉपुलर होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं कंटेंट, यही बताने के लिए मेरे साथ है मिहिर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो। आपके अभी कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे अभी 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 4.5 मिलियन फॉलोअर्स, कैसा लगता है जब ये बोलते हो तो? बड़ा रिच फील होता है, लाइक 4.5 मिलियन। ओके ग्रेट। और ये कितने साल में, कितने महीने में बने? लाइक ये 1.5 ईयर में बने। स्टार्टिंग के 6 to 8 मंथ्स में इनएक्टिव था, इनएक्टिव इन द सेंस कि कभी बना लिए, संडे छुट्टी है तो आज चलो टिकटॉक बनाते हैं। बट अभी जब रिवर्ट मिलना शुरू हुआ, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स अभी 3 महीने पहले ही हुए। ओके। हाँ। और 1 से फिर एकदम से 4 पे? जब से रेगुलर हुआ तब से लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। और किस तरह का कॉन्टेंट होता है आपका? मेरा पूरा कॉन्टेंट कॉमेडी होता है, मैं लोगों को हंसाने में बिलीव करता हूँ। यार भाई एक बात बता, ये लड़का लड़की में क्या फर्क है? भाई जब लड़का सलून से आता है तो आता ही नहाता है, और भाई लड़की? भाई जब लड़की पार्लर से आती तो 2 दिन तक भी नहीं नहाती। और कॉमेडी में इन द सेंस ऐसा होता है कि मैं खुद सोचता हूँ, खुद बनाता हूँ और खुद ही एडिट करता हूँ उसको, हर तरह के टॉपिक्स के ऊपर होता है मेरा कंटेंट। जोक्स काइंड ऑफ आप जो बनाते हो? हाँ, जोक्स काइंड ऑफ ही होते हैं वो लोग। हमारा होता है, 3 जने होते हैं हमारी वीडियोस में, एक पीछे खड़ा होता है जो एक्सप्रेशन देता है, जैसे लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो भी हम लोग खुद ही दिलवाते हैं। ऑडियंस का एक्सप्रेशन वो रिएक्ट करता है? हाँ वो रिएक्ट करता है। भाई यार ये हमारे देश को क्या हो गया? भाई क्यों? भाई कल एक ग्राहक दुकानदार से कहता भैया एक कोलगेट देना, तो दुकानदार कह रहा भैया कौन सा वाला, तो ग्राहक कहता भैया पेप्सोडेंट। हम लोग एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, कुछ जोक्स बीवियों के ऊपर, कुछ बच्चों के ऊपर, अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा था उसके ऊपर भी काफी सारे जोक्स हम लोग ने बनाए हैं। ओके। तो वैलेंटाइंस डे तक पोस्ट होते रहेंगे। तो लोगों को हंसाते रहना क्या इतना आसान काम है? जब लोग इतना प्यार करते हैं तो बहुत आसान लगता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अच्छा ये जो टिकटॉक हो गया, यूट्यूब क्रिएशन हो गया, इसमें क्या होता है, वन मैन आर्मी होता है, सारा काम आपको खुद ही करना होता है, सारा काम। तो टेक्निकली भी समझना, क्रिएटिव भी समझना, तो एक कॉन्टेंट को बनाने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम आपका जाता है? ऐसा होता है जब स्टार्टिंग हम लोग ने किया था तो दिन की सिर्फ एक वीडियो बनाते थे, वो भी 20 सेकंड्स और 30 सेकंड्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे म्यूजिक। जी सर। लेकिन एक बात याद रखना, हम जो भी बात करेंगे वो म्यूजिक में करेंगे। जी सर। तो मेरे साथ गाओ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक मिनट सर। हाँ रमेश। भाई मेरी अम्मी खंभे से चिपक गई है, तू जल्दी आ जा। आता आता, रुक 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 सर, मुझे जाना है। आके बोलो सर, रमेश की अम्मा पकड़ के खम्मा नाचे छम्मा छम्मा। मुश्किल लगता रहा कि एडिट करना है, और मेरा ऐसा होता है कि मैं एडिटिंग में बिना ये नहीं कि एक ही साउंड को डाले जा रहा हूँ, अलग अलग साउंड्स लगाता हूँ, उसको यूट्यूब से ढूंढना, कुछ खरीदनी भी पड़ती है। और पहले दिन की एक वीडियो, फिर धीरे धीरे 2 पे आए, अब दिन की 8 से 10 वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ, सारे न्यू कंटेंट। ओके। तो आपका आईडी तो पर्सनल है, लेकिन आप टीम के साथ काम करते हो, आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में वैसे 6-6 लोग हैं, लेकिन अभी फेमस 3 ही है। भाई बंदा स्कूटर पर और स्कूटर 80 पर। हाँ भाई। बंदा बाइक पर, बाइक 110 पर। भाई बंदा गाड़ी पर, गाड़ी 120 पर। बंदा एम्बुलेंस पर और एम्बुलेंस 130 पर। तो हम तीनों का मिला के टोटल हो चुका है 10 मिलियन का फैन बेस हो चुका है। ओके ग्रेट। कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल पॉपुलर होने लगते हो तो कई बार माइंड में आता है, मैं तो खुद ही पॉपुलर हूँ यार, मुझे टीम की क्या जरूरत है, लेकिन आप टीम की कितनी इंपॉर्टेंस मानते हो? जितना मैं पॉपुलर हूँ उतनी ही मेरी टीम पॉपुलर, लाइक बिल्कुल जो हमारा है मिल बांट के ही है। ऐसा नहीं है कि अकेला मैं चला जाऊं तो कोई वैल्यू नहीं समझता मैं अपनी। जो वैल्यू है वो टीम के साथ है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचाऊं तो टीम की वजह से पहुंचाऊं। अकेले लोग मेरे पर नहीं हंस रहे, मिलके ही हंस रहे हैं, और सबका अपना हार्डवर्क है। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ उसमें एडिट का मेरा अपना हार्डवर्क है,
एक्टिंग तो वो भी कर रहे हैं ना, सपोर्ट तो पूरा हार्डवर्क। कोई एक ऐसा जोक बताओगे ऑडियंस को जिससे वो रिलेट कर पाए? हाँ मैं बताता हूँ। अब जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा चल गया है, तो कुछ एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि भाई ये बताओ व्हाट्सएप के फायदे हैं नुकसान। मैंने कहा भाई दोनों। तो वो कहता कैसे? मैंने कहा यार हमारी गली में एक बच्चा खो गया, तो उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दी कि बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करें, तो शाम को बच्चा मिल गया। तो वो कहता भाई इसका नुकसान क्या है? मैंने कहा भाई आज उस बात को एक साल हो गया और आज भी उस बच्चे की फोटो इधर उधर फॉरवर्ड होती रहती है, बच्चा जहां भी जाता है लोग उसे पकड़ कर घर छोड़ जाते हैं। वो घर से निकल नहीं सकता कि उसका नुकसान है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक ओरिजिनली मैसेज भी है, मैसेज भी है, ऐसी रिलेटेबल चीजें होती है, जो भी है ग्रेट। तो अभी मिहिर आपको लगता है कि ये एक फुल प्रूफ प्रोफेशनल प्लान है, आप इसमें कमर्शियली भी आगे जा सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि इधर तक रहना इज नॉट फुल प्रूफ प्लान, क्योंकि ऐसा है कि टिकटॉक का कुछ नहीं भरोसा अभी, लेकिन बहुत अच्छा है जो है। हम लोग को टिकटॉक के साथ साथ भी अपना कुछ प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा इन दिस फील्ड ओनली, क्रिएटिव फील्ड ओनली। लेकिन स्टार्ट देने के लिए बहुत अच्छा हो गया, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। अभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो ऐसे ही मैंने कहा यार बीच देखना है, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं वापस, तो ये लोग मना भी कर रहे थे, मैं कहा नहीं भाई बीच देखे मैं नहीं जाऊंगा। तो मरीन ड्राइव गए, हमें नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा ये वो, मरीन ड्राइव गए, 4 घंटे में हम लोग निकले वहां से और ऐसे निकले कि भाग भाग के, क्योंकि ऐसा है कि ना कोई फोटो खिंचवाने आ रहा है तो इतना अच्छा लगता है, और इतनी भीड़ भी लग गई ना तो भी अच्छा लगता है, मना नहीं कर सकते किसी को, अरे आप दो लो, आप वीडियो भी बनाओ, ये भी करो वो भी करो। तो फिर 4 घंटे बाद तरस जाते हैं इस तरह का फैन बेस बनाने के लिए, इस तरह के फॉलोअर्स बनाने के लिए, और ये सोच के भी बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं मुंबई जाऊंगा लोग भीड़ आएगी मेरे पास, और वो आप देख पा रहे हो और भी 1.5 साल में बहुत कम समय में। लास्ट टाइम हम लोग ट्रेन से आए थे, तो जब ट्रेन से मैं उतरा था तो स्टेशन पे भीड़ लगी थी, एक बंदा आया उसके बाद 2 बंदा आया, फिर लोग देख रहे कि कौन है ये। हम लोग का ऐसा है कि ना खाली टिकटॉक पे नहीं जाता वीडियो, व्हाट्सएप पे भी लोग देखते हैं, उसको शेयर होती है, ग्रुप्स में जाता है, तो हर तरह का फैन बेस है, यानी कि खाली यंगस्टर्स ही देखते हैं हम लोग को, बड़े भी सब देखते हैं, तो इसलिए ज्यादा इजी रहता है। ये जो प्यार मिलता है ये एरोगेंस ला देता है, एक वो घमंड ला देता है या हम्बल बना देता है? ऐसा होता है कि ना अभी मैं मुंबई में जिससे मिला, विद ड्यू रिस्पेक्ट सब बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा है कि ना कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले आके आपसे मिले। अभी मैं शूट करा था और साथ में एक पॉपुलर टिकटॉकर वो भी शूट कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, तो वो नहीं आए हम लोग से मिलने, जबकि मेरे फॉलोअर्स उनसे ज्यादा है, लेकिन मैं खुद उनसे मिलने गया। वेरी गुड। मैंने कहा ही आई लाइक हिम, उनका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं तो कैसे, घमंड अपने ऊपर, अगर आप लाना चाहो तो ला सकते हो, बट हम्बल रहने में आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो क्यों एरोगेंस दिखाना। और मेरे अंदर तो है, मैं बड़ा चाइल्डिश हूँ तो कैसे एरोगेंस, ये बड़ा मुश्किल होता है चाइल्डिश होना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये तो मिहिर एक टिकटॉकर है, बहुत सारे इनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, 4.5 मिलियन, मुझे तो बोलते हुए भी आश्चर्य हो रहा है, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स है। सबसे अच्छी बात ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर भी जो ओरिजिनल, जो आपका यूनिक टैलेंट ना, उसको लेकर जाइए, दूसरे टिकटॉकर को देखकर आप वीडियो मत बनाइए। आपको जैसे मैंने बाबा जैक्सन का वीडियो बनाया था, बताया था, उनके अंदर टैलेंट था डांस का, उन्होंने उस पर काम किया। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस वीडियो में लगी वो ये कि मिहिर आज भी हम्बल है, उस प्यार से और ज्यादा हम्बल है, चाइल्डिश है। चाइल्डिश बनने में हालत खराब हो जाती है, आप चाइल्डिश नहीं बन सकते, उसके लिए बहुत अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। ये जिस तरह से उनसे जाके मिले, दूसरे टिकटॉकर से आगे बढ़ के, नहीं तो यही एरोगेंस में रहते हैं कि वो देखेगा मैं देखूंगा। आप जितना दूसरे की सक्सेस को अप्रिशिएट करेंगे, आप यकीन जानिए आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे, क्योंकि जेलसी जितनी दूर जाएगी सक्सेस उतना करीब आएगी। हर आदमी को वही इंसान प्यारा लगता है जो सबसे प्यार करता है। आज के वीडियो से मैंने तो यही सीखा, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम है आपको बॉलीवुड ज्वाइन करने में, टीवी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने में, जस्ट क्वेश्चन टाइप कीजिए, साथ में स्पेस देके ज्वाइन फिल्म्स टाइप कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ज्वाइन फिल्म्स के बहुत सारे वीडियोज हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के अंदर भी उम्मीद जागे। उम्मीद जागने से सपने पूरे होते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। All the very best. I can, I-